प्रयास अब राजस्थान को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। आज हालांकि मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन राजस्थान पर सस्पेंस जारी है। माना जा रहा है कि कल जयपुर में राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। ये वो संभावित नाम हैं जो राजस्थान के लिए इस वक्त रेस में चल रहे हैं। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव, किरोड़ी लाल मीणा और महंत बालकनाथ। तो किसका होगा राज तिलक, इसके लिए कल का करना होगा इंतजार। जीत के जश्न को 7 दिन बीत गए, लेकिन इंतजार अभी बाकी है। जो पार्टी काफी दूर तक बहुत पहले ही सोच लेती है, वो पार्टी राजस्थान के सीएम के चेहरे को लेकर उलझ गई है। वसुंधरा राजे, महंत बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव, किरोड़ी लाल मीणा, ये वो नाम है जो राजस्थान के सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। कल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाकी दो पर्यवेक्षकों विनोद तावड़े और सरोज पांडे के साथ जयपुर पहुंचेंगे, तो उन पर यह जिम्मेदारी होगी कि सीएम के रूप में कोई सर्वसम्मत चेहरा चुनने में वो अहम भूमिका निभाए। माना जा रहा है कि राजस्थान के बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होगी। चुनावी नतीजों के बाद शुरुआती दौर में वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों ने लामबंदी की कोशिश की। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की नाराजगी की खबरों के बीच उन्हें दिल्ली आकर पार्टी अध्यक्ष को सफाई देनी पड़ी और सूत्रों के मुताबिक ये कहना पड़ा कि वो पार्टी का फैसला मानेंगे। लेकिन कल फिर जयपुर में उनके समर्थक विधायकों का आना जाना लगा रहा, जो अब भी उन्हें सबसे मजबूत दावेदार बता रहे हैं। राजे जी को बनना चाहिए फिर से मुख्यमंत्री, सारा राजस्थान मांग कर रहा है। आप भी मांग कर रहे हैं? मैं तो एमएलए नहीं हूं ना, फिर भी चाहते हैं ना? क्यों नहीं चाहेंगे, वसुंधरा जी बननी चाहिए भाई। इस बीच सभी को साधने के लिए चर्चा डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले की भी चल रही है। हालांकि बीजेपी इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उस हिसाब से, मैं तो ये कह सकता हूं कि विधायक दल की बैठक के बाद आगामी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो। इस बीच सीएम के चयन पर देरी को लेकर कांग्रेस की ओर से सवाल भी हो रहे हैं। जवाब में बीजेपी नेता कांग्रेस को 2018 के चुनाव की याद दिला रही है। अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूटे झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है? अशोक गहलोत जी शायद वो दिन भूल गए 2018 का, जब सरकार गवर्नमेंट के फॉर्मेशन होने में, सरकार बनने में 16 दिन लगे थे। अभी हमारे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई, शीघ्र ही विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद आगामी प्रक्रिया तय होगी। बहरहाल 7 दिन बीत चुके हैं, 1 दिन और सही, शायद कल राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाए। जयपुर से देवंकुर जयकिशन शर्मा के साथ शरद कुमार, आज तक। शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। सीपी जोशी तो ये कह रहे हैं शरद की विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी। कब होनी है बैठक, क्या कुछ सामने आ रहा है और कौन कौन इस बैठक के बाद रेस में होगा, क्योंकि हम तो 6 नाम दिखा रहे हैं, हो सकता है आपके पास और जानकारी हो। देखिए, वो सांसद से विधायक बने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से हम लोग पूछ रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि या तो भगवान जानते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। लेकिन यहाँ समस्या है कि विधायक दल की बैठक कब होगी इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है। राजनाथ सिंह के प्रोग्राम के अनुसार हम लोग चला रहे हैं नेहा, कि आज चूंकि वो लखनऊ में हैं तो कल आ सकते हैं, मगर अभी तक पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया है। इस लिहाज से लोग कयास लगा रहे हैं कि रविवार को छत्तीसगढ़, सोमवार को मध्य प्रदेश, तो मंगलवार को राजस्थान हो जाएगा। इसी तरह से उसके बाद बुधवार को शपथग्रहण समारोह होगा छत्तीसगढ़ में, गुरुवार को मध्य प्रदेश में और फिर 15 तारीख को यानी 15 दिसंबर को और शुक्रवार को राजस्थान में। ये एक इवेंट के तरह से लोग कयास लगा रहे हैं, मगर अभी तक यहाँ तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे आ गई हैं, लगातार विधायकों से मिल रही हैं। बाकी सारे जो नेता थे वो इस्तीफा देने के बाद जयपुर आ गए हैं। सीपी जोशी बार बार यही कह रहे हैं शीघ्र होगा, मगर शीघ्र कब होगा ये पता नहीं चल पा रहा है। जहां तक सीएम रेस की बात आपने की, ये 6 नाम आगे चल रहे हैं, मगर कोई 7वां नाम भी हो सकता है।
क्यों देरी हो रही है, कहां पेंच फंसा हुआ है, पेंच फंसा हुआ है या फिर एक प्लानिंग के तहत ही देरी हो रही है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है। जो बड़े बड़े नेता हैं राजस्थान के, वो भी अभी फिलहाल वैक्यूम में है कि होना क्या है। राजनाथ सिंह के एक बार आने का कार्यक्रम तय होगा, तभी जाकर पता चल पाएगा कि राजस्थान की गुत्थी उलझी हुई थी या फिर एक प्लानिंग के तहत ही मंगलवार को तय किया गया है। लेकिन हाँ, एक बात ये सच है कि बीजेपी के नेता कुछ भी कह लें, अभी तक इतिहास में सबसे लंबा ये समय रहा जब राजस्थान की जनता चुनाव के बाद ये जान नहीं पाई कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। लंबा समय शरद, और इसी वजह से विपक्ष लगातार सवाल भी कर रहा है कि आखिरकार इतनी लंबी देरी क्यों हो रही है राजस्थान का सीएम चुनने में।